तो भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारी इस धमाकेदार इंचरमेंट एप्पल डुप्लीकेट मशीन में। जी हाँ, आज मैं आपके लिए बनाऊँगा फुल एंड फाइनल इंचरमेंट एप्पल, जी हाँ, एप्पल डुप्लीकेट मशीन। तो आप लोग भी अगर अपने लिए एप्पल डुप्लीकेट करना चाहते हो, वो भी इंचरमेंट के, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है लगभग इतने सारे इंचरमेंट एप्पल को डुप्लीकेट किया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, और आप भी अपने वर्ल्ड में इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक पिस्टन लेनी है। पिस्टन को आपको यहाँ पे दो एक ब्लॉक छोड़ के लगानी है। उसके पास में आपको एक इस तरह से डिस्पेंसर रखना है, इस तरफ से डिस्पेंसर रखना है, और एक नेदर पोर्टल, वो भी 2x2 का ही आपको बनाना है, जिसके बीच में आपको केवल दो ब्लॉक ही रख के एक नेदर पोर्टल बनाना है। बहुत सारे लोग 3 ब्लॉक रखते हैं, उसकी वजह से मशीन जो है काम नहीं करती। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक इस तरह से जो है, तो आपको जो है यहाँ पे एक एक क्लॉक बनानी है इस तरह से। तो आप इस तरह से एक क्लॉक बनाइए, आप लोग इस तरह से एक क्लॉक बनाइए, यहाँ पे इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पे मैं रेस्ट ऑन भी ले लेता हूँ, लीवर भी ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से रेस्ट ऑन कनेक्ट कर देना है, इस तरह से आपको बनाना है। बनाने के बाद अब आपको रेस्ट ऑन इस यहाँ पे डालना है, इस तरह से ये एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे वोट यहाँ पे जैसे प्लेस करोगे, तो इस तरह से मशीन वर्क करेगी, आप लोग देख सकते हो। अगर आपके इस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो मतलब आपके कोई मिस्टेक आपने की है। उसके बाद इसके ऊपर भी आपको रेस्टोन डालना है, इस तरह से आप लोग डाल लीजिए। अब आपको नीचे आना है और ये लीवर ऑफ कर देना है। ऑफ करते ही आपका जो पिस्टन है वो ऑफ हो जाता है। अब आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे इस तरह से आपको कनेक्शन देना है, यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे आपको एक रिपीटर रखना है इस तरह से, जिसे आपको जो है आपको केवल एक पे ही डिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको रेस्टोन का कनेक्शन इस तरफ लेके आना है, यहाँ तक। यहाँ पे अब आपको जो है रिपीटर रखने, 1, 2, 3 रिपीटर आपको रखने, और इन्हें आप लोग जो है 2 पे या फिर फुल पे जो है डिक कर सकते हो। अगर आप इन्हें डिक नहीं करना चाहते हो, तो एक पे आप लोग केवल एक पे ही इसे डिक कीजिए, इस तरह से एक पे डिक कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से रेस्टोन से इन्हें भी कनेक्शन कर देना है, इन दोनों ऑब्जर्वर को। अब आपको एक ऑब्जर्वर के अंदर जो है वुड वाले में आपको इस तरह से आपको फील्ड एंड स्टील डाल लेनी है उस वाले में, और इसमें आपको वाटर डालना है, वाटर डाल दीजिए। अब आपको एक ब्लॉक लेना है, ब्लॉक को आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना है, इस तरह से, ताकि जो है आपका जो वाटर है वो बाहर ना आए। अगर आप यही लगाना नहीं चाहते, तो आप यहाँ से डिक करके यहाँ पे इस तरह से भी बना सकते हो, ताकि जो वाटर है वो आपका बाहर ना आए। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। बनाने के बाद अब आपको ये मशीन जो है एक बार एक्टिव करनी है। तो आप लोग अब क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपका जो सल्कर बॉक्स है उसे लेना है। उसके अंदर आपके पास जितने भी इंचरमेंट एप्पल है उन्हें आपको अंदर रखना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्टैक है, तो मैं इन्हें इस तरह से फैला देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग ये किस तरह से फैले हुए हैं वो भी देखिएगा, वरना आप लोग फिर कहोगे कि मैंने इधर उधर कर दिए, या फिर आप लोग कहोगे कि भाई तूने तो ये अजीब सी डुप्लीकेट बताई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने एप्पल किसके अंदर कितने एप्पल हैं, आप लोग गिन सकते हो किस तरह मैंने ये सेट किए हैं और कितने किस्त में एप्पल पड़े हुए हैं। अब जो है मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले सल्कर बॉक्स आपको बहुत ही ज़रूरी चाहिए, तो आप सल्कर बॉक्स का यूज़ कीजिए। और अगर आप लें अभी तक सल्कर बॉक्स आपको यूज़ करना नहीं आता है, यानी कि आपके वर्ल्ड में अभी तक आपने एंडर ड्रैगन को किल नहीं किया है, तो आपको जो है कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं दूसरे तरीके से भी इंचरमेंट एप्पल डुप्लीकेट मशीन आपके लिए बनाऊंगा। तो इस तरह से बनने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस मशीन को जो है एक्टिव करना है। तो इस तरह से वर्क करनी चाहिए, देखिए ऑन ऑफ होनी चाहिए मशीन, तो देख सकते हो दोस्तों इस तरह से ये वर्क करेगी। तो यहाँ पे आपको आना है, अगर वर्क नहीं कर रही है तो आपको जो है इन्हें इन टिक्स को जितने भी टिक्स हमने दिए हैं वो सारे आपको इस तरह से ऑफ कर देने। अब आप लोग ट्राई कीजिए, तो देख सकते हो अब ये वर्क कर रही है।
अब जो है मशीन काम कर रही है और मैं इस मशीन में अब जो है सल्कर बॉक्स का यूज़ करूँगा। तो अब आपको सिर्फ ऑन ऑन करना है एक बार इस तरह से और ऑफ कर दीजिए। अब आप लोग कहोगे भाई ये क्या हुआ, इस पिस्टन को हम पीछे कैसे ले जाएं? तो अब आपको यहाँ पे सबसे मेन काम करना है, उसके लिए आपको इस टॉर्च को हटा देना है। आप टॉर्च को हटा दीजिए, लीवर को ऑफ़ कर दीजिएगा, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना जो सल्कर बॉक्स है उसे कलेक्ट करना है, यानी कि लेना है। तो अब आपको यहाँ पे सल्कर बॉक्स को इस पिस्टन के यहाँ पे लगाना है इस तरह से, और आपको सिर्फ इसे एक बार यहाँ पे अब आपको रेस्टोन लेना है और उसके बाद यहाँ पे इसे लगा देना है। जैसे ही आप लगाओगे तो इस तरह से मशीन जो है वर्क करेगी, लेकिन आपको इसे दोबारा से हटा देना है, लीवर को कनेक्ट करना है, ऑफ करना है। अब आपको दोबारा से ये जो सल्कर बॉक्स है उसे लगाना है। अब आपको इसे मशीन को एक्टिव करना है। जैसे ही आप एक्टिव करते हो तो इस तरह से वर्क करती है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से ये काम करनी चाहिए। तो यहाँ पे बस आपको ये लीवर ऑन रखना है, ऑन रखिएगा, और यहाँ पे जो हमारा इसे जो है मैं डिक कर देता हूँ नॉर्मल पे, पीछे आता हूँ दोबारा से इसे ऑन करता हूँ, यहाँ पे ये रखते हैं मशीन। अब आपको बस इस मशीन को एक्टिव करना है। यहाँ पे जैसे ही आप ये लगाओगे तो इस तरह से ये वर्क करेगी, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपकी सल्कर बॉक्स था वो इंज गायब हो जाएगा। ऑफ़ करना है इसे। ऑफ करने के बाद अंदर से आपको वाटर ले लेना है, यहाँ से वाटर कलेक्ट करना है। अब आपको इसे एक्टिव करना है, और एक्टिव करके आपको दोबारा से जो है अपने अंडरवर्ल्ड में चले जाना है। अगर आपका सल्कर बॉक्स वहाँ से जो है नेदर में नहीं जा रहा है तो आप जो है थोड़ा वेट कीजिए, वो काम करेगी, लेकिन आपके हो सकता है थोड़ी जो है अगर आपने रेस्टोन का कनेक्शन सही किया है तो वो 100% जो है वर्क करेगा। आप जैसे ही अब नेदर पोर्टल में जाओगे तो यहाँ पे जो आपका आपके पास जो सल्कर बॉक्स थे, यानी कि आपके पास जो सल्कर बॉक्स थे वो यहाँ पे अब आपके डबल हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री में दो जो हैं यहाँ पे मेरे पास दो सल्कर बॉक्स आ चुके हैं, और दोनों को ही मैं अगर प्लेस करता हूँ तो दोनों के अंदर ही वैसे के वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से जो है हमारे इंचेयरमेंट एप्पल डुप्लीकेट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह अपने लिए अनलिमिटेड इंचेयरमेंट एप्पल डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।